2 लाख रुपए की मांग करना, तथाकथित पत्रकार को पड़ा भारी, भयादोहन करने वाला 2 तथाकथित पत्रकार गिरफ्तार। कोरबा में कबाड़ से भरी ट्रक को रास्ते में रोककर अवैध वसूली करने वाला, अपने आप को कथित साधना पल्स व कांग्रेस आईटी सेल का सचिव कहने वाला अभिषेक कौशिक तथा उसके सहयोगी को दर्री पुलिस ने गिरफ्तार करा है। सूत्रों की माने तो वाहन चालक कबाड़ लोड कर आ रहा था, तभी बीच रास्ते में वाहन को रोककर चालक को धमकी देते हुए कथित पत्रकार ने वाहन चालक को अपना खाता नंबर दिया। वाहन चालक ने कबाड़ मालिक को फोन किया तो अभिषेक नामक कथित पत्रकार के द्वारा 2 लाख रुपए खाता पर ट्रांसफर करने की बात कही, जिस पर कबाड़ संचालक ने कोरबा पुलिस कप्तान संतोष सिंह से शियाकत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने दर्री पुलिस को मामले पर मामला दर्ज करने के लिए कहा तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही करने के लिए आदेश दिए, जिस पर दर्री पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल करा। कुछ लेन देन के मामले में, धमकी चमकी के मामले में क्या अपराध दर्ज हुआ, कितने लोगों को गिरफ्तार की गई है? एक ट्रक ड्राइवर सुनील सानी ने 30 तारीख में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो अपने ट्रक को कढ़ोरा से लेकर के तोबतरा पा रहा था, जिसमें अनुपयोगी कबाड़ सामान लोड था। 2 लोग जो एक आल्टो कार से आए और गाड़ी को रोका और गाड़ी को माल ले जाने के बदले में 2 लाख रुपए की उससे, उसके बाद उसके जो मालिक था उससे बात करके फोन पर बात की। इस संबंध में ड्राइवर ने 21 तारीख को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन 2 लोगों के नाम अभिषेक कौशिक और सनी गुप्ता निवासी कठोरा का पता चला। ये जानकारी मिलने पर पुलिस ने उनकी पता तलाश की और साइबर सेल की मदद से उनकी गिरफ्तारी की गई। इस मामले में अपराध क्रमांक 196/22 थाना दर्री में दर्ज किया गया, जहाँ 384 और 341 IPC के तहत और आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया। नहीं, देखने में आ रहा है सर, कुछ लोग पैसे का डिमांड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खाता नंबर दे रहे थे जैसे। हाँ, इसमें जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि इन आरोपियों के द्वारा 2 लाख रुपए एक अकाउंट नंबर दे करके उसमें डालने के लिए बोला गया है और वो अकाउंट नंबर इनसे संबंधित व्यक्ति का है और ये अपने आप को तथाकथित पत्रकार बता रहे थे, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं।